Welcome back, viewers. The man with the golden arm, Neeraj Chopra, has scripted history at the Olympics once again with a sensational silver medal. He grabbed the silver medal in the Paris Games with a season best throw of 89.45 meter. Pakistan's Arshad Nadeem bagged the gold medal and broke an Olympic record with a stunning throw of 92.97 meter. Yes, you heard that right. That's the highest throw ever in a javelin event at the Olympics. In fact, Arshad Nadeem also secured Pakistan's first Olympic medal since 1992. The bronze medal was won by Ghana's Anderson Peters, who also was impressive and threw an impressive 88.54 meters. With this victory, India now has 5 medals at the Paris Olympics, and Neeraj has added to his impressive medal haul as well. 6 attempts for the javelin throw were given to each athlete. India waited with bated breath and also cheered when Neeraj got his season's best at 89.45 meters. A thrilling victory and a nation that is proud of the golden boy. नहीं, सिचुएशन के हिसाब से या बॉडी कंडीशन के हिसाब से तो थ्रो ठीक है, लेकिन जब अरशद ने थ्रो लगाई, काफ़ी अच्छी थ्रो की, और उस टाइम लग रहा था कि हाँ, आज वो दिन है कि आज मुझे वो थ्रो लगानी है, जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। लेकिन वही है, दिमाग में जब थ्रो करने जाता हूँ तो फिटनेस पे बात आ जाती है कि ग्रोइन में प्रॉब्लम है, इसको फिट रखना है, इंजरी ना हो जाए। तो अगर वो दिमाग में बात आ जाए तो हम अपने 100% उस पर मैक्सिमम एफर्ट पे जा नहीं पाते। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, और एक ही थ्रो न भी उसी से मेडल आया है, तो वो काफ़ी सही है। इंडिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो सबको बहुत मज़ा आता है। जैवलिन में भी आज इंडिया पाकिस्तान हो गया, टॉप टू में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आ गया। जब अरशद ने 92.97 थ्रो किया तो आई एम श्योर आपको खुशी भी हुई होगी उनके लिए, लेकिन उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में, और कैसे ये एशिया को एक पावर हाउस बनते हुए देख रहे हैं एथलेटिक्स में, जैवलिन में? नहीं, बिल्कुल, काफ़ी टाइम से हो रहा है। 2016 से मैं और अरशद कंपटीशन खेल रहे हैं साथ में, और काफ़ी कंपटीशन रहा है हमेशा से। और जब अरशद ने थ्रो की तो काफ़ी अच्छी थ्रो थी, और हमेशा जब भी कोई जैवलिन थ्रोर आपस में अच्छी थ्रो करता है तो हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन वही है कि मुझे भी लग रहा था कि हाँ, आज का वो दिन है कि आज थ्रो निकालनी है। उसके हिसाब से तो नहीं हो पाया, लेकिन जितनी भी थ्रो लगी है वो अपनी कंट्री के लिए मेडल आया है, उसकी काफ़ी खुशी है। और ये तो स्पोर्ट्स है, ऐसे चलता रहेगा, आगे फिर से मौके मिलेंगे, फिर से अगला कोई गेम होगा, फिर से कंपटीशन होंगे, और अच्छी मेहनत करके आएंगे और वो थ्रो भी लगा देंगे। नीरज, आखिरी सवाल है मेरा, आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है देश भर से, पेरिस में भी लोग आए हुए थे आपको देखने के लिए, घर पे भी आपके हमने विजुअल्स देखे, पूरा आपका घर भरा हुआ था लोगों से देखने के लिए, तो ऐसा लगता है जब आप ऐसा सपोर्ट देखते हैं अपने लिए? आपको आदत हो चुकी है, लेकिन एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि नीरज चोपड़ा को लुकअप करते हैं लोग। नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जी, कि लोग इतना सपोर्ट करते हैं और उनको उनके अंदर एक विश्वास बना है मेरे लिए कि हाँ, नीरज गया है तो करेगा। और काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी रही है, और जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 सालों से इंजरी की वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, लेकिन वो जो लेवल तक मैं जाना चाहता हूं और जो अंदर है वो चीज़ कि हाँ, जा सकता हूं, वो कहीं ना कहीं इसको इंजरी के ऊपर काम करके, इसको ठीक करके, फिर उस चीज़ के और ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, और जो कहीं ना कहीं कमी अभी तक बनी हुई है उस पर काम करके उसको दूर करेंगे। और जो थ्रो है अंदर, जो लग रहा है कि हाँ, जितनी मैं थ्रो कर रहा हूँ उससे अभी कंसिस्टेंसी बढ़ाने का टाइम आ गया है। नहीं, जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड भर के लग रहा है, गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत कर कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो दिनों में है बच्चे के, खिलाड़ी के। जी बिल्कुल, अपने देश के लिए खूब फाइट किया, उसने सिल्वर मेडल जीता है, बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है, पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। सही में जो हमें लगता है, जो उसको ग्रोइन इंजरी थी वो उसी के कारण शायद कुछ जूझ रहे थे और उसी में कोई दिक्कत रही है। ओलंपिक में फाइट की है और मेडल जीता है,
और आने वाले ओलंपिक में भी देश के लिए जी जान लगा देगा। जी हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 5वां मेडल जीत पाए हैं। अभी और खिलाड़ी बाकी हैं, मैं तो ये बोलता हूँ सभी खिलाड़ी मेडल के साथ वापिस आए। Right, so those were the parents of Neeraj Chopra. They're visibly ecstatic with the achievement. In fact, joining us live on the broadcast is Bheem Chopra, who is Neeraj's uncle. Bheem ji, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए. बहुत-बहुत बधाई अभी आपको. नीरज ने पूरे देश का नाम रोशन किया है. आप सुबह से बहुत मिठाइयां खा रहे होंगे. खत्म हुई कि नहीं मिठाइयां? अरे नहीं, मिठाइयां कैसे खत्म हो जाएंगी भाई? मिठाइयां तो खत्म होने नहीं देंगे. इतना इतनी खुशी दे रखी है भगवान ने, मिठाइयां कैसे. Right, we seem to have lost the network there with Bheem Chopra, but clearly there he is visibly ecstatic there, as is the entire family of Neeraj Chopra, and not just the entire family of Neeraj Chopra, it's the entire nation. In fact, to discuss this and a lot more about India's Olympic campaign, joining us on the broadcast are Chandresh Narayanan, who's an author and a sports broadcaster, Sujit Kumar, who's a former hockey player, he's also played at the Summer Olympics 1988. And also Jagmati Sangwan, who's a former volleyball player. Appreciate you all for joining us on the broadcast. This is, of course, a very interesting discussion given India's Olympic campaign right now. Chandresh, I'll begin with you. How do you rate Neeraj Chopra's performance there? One of the things that we're hearing right now is that he was carrying a groin injury, but keeping that aside, the fact that he's actually gone very close to 90 meters, that seems to be very impressive. Absolutely. And I think that Neeraj Chopra is close to being rated as India's greatest ever athlete, in my view, because of the fact that the last time he won a gold, this time he won a silver. To be close to winning a gold again for a second time in a row is a tremendous achievement. And he's gone where no other Indian has gone in track and field events. And I think that it deserves all the kudos that he's getting right now in the country. And he's lifted the gloom in the Indian camp in Paris, because you know what's been happening in the last few days. So in a way, Neeraj has lifted the mood in the Indian camp, along with the hockey boys. So I think these two were the best news possible for us this past week, because we've had a lot of bad news coming from Paris this week. Right, Chandresh. In fact, Bheem Chopra joins us back, Neeraj's uncle. Bheem ji, aapka network kuch network mein kharabi ho gayi thi, lekin aap bata rahe the ki mithaiyan khatam nahi hui hai aur khatam honi bhi nahi chahiye. Desh bhar mein mithaiyan bat rahi hai. Lekin Neeraj ka achievement jo hai, bahut log bol rahe ki pichli baar gold aaya tha, is baar silver thodi bahut kami reh gayi thi, lekin agar aap overall dekhe jaye to India ke itihas mein kisi track and field athlete ne is tarah ki achievement kabhi nahi ki hai. To ek tarah se Neeraj India ke athletic genre mein especially ek legend ke taur pe abhi ubharte aa rahe hai. जी जी जी, ये तो देशवासियों का बड़प्पन है कि उसको इतना अच्छा खिलाड़ी मानते हैं वो, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस में ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है जिससे वो भारत को प्राउड फील ना कराए. हर टाइम जितनी बार भी उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए, मतलब पूरे देशवासियों को इतना भरोसा है सभी बोलते हैं भाई नीरज है तो मेडल लेके ही आएगा, ये सबसे बड़ी बात है. और भीम जी, आप ये बताइए कि आपके वहां फीलिंग क्या था जब अरशद नदीम ने 92 पार फेंका, जो कि मतलब ओलंपिक में कभी किसी ने नहीं फेंका इतना दूर. नीरज के चेहरे पे भी एक थोड़ा बहुत नर्वसनेस हम देख रहे थे. आपको क्या कॉन्फिडेंस था कि नीरज उसको पार कर पाएगा? क्योंकि हम देख रहे थे नीरज थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहे थे अपने थ्रोस के पहले. तो आपको क्या लग रहा है कि उस नर्वसनेस के वजह से वो जो अचीवमेंट है वो जस्ट पीछे रह गए? वो नर्वस उसकी थ्रो की वजह से नहीं था. उसको पिछले कई साल से ग्रोइन इंजरी से वो जूझ रहा है और उसके लिए पूरा रेस्ट चाहिए प्रॉपर, जो कि वो कर नहीं पा रहा अभी तक. तो वो उसमें कैपेबिलिटी है, अभी बहुत कुछ उसके अंदर खेल बाकी है. मुझे लगता है अगर कल उसकी बॉडी ठीक से चल जाती तो ये 92-93 मीटर की थ्रो कोई बड़ी नहीं थी. वो बड़ी अच्छी तैयारी में गया था जी.
और भीम जी, अरशद नदीम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ऑफ कोर्स उन्होंने भी बहुत कठिनाइयां देखी है, बहुत मुश्किल से गुजर के यहाँ तक आए, लेकिन अरशद नदीम पिछले कुछ महीनों पहले तक वो सोशल मीडिया पे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे दूसरा जैवलिन दिला दो या मेरे को स्पॉन्सर कर दो, तो एक तरह से अरशद नदीम बहुत कठिनाइयां देखी है, सपोर्ट भी जैसे इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है नीरज के साथ, वैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहा है अरशद के साथ, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि इतनी इतनी समस्याओं से जूझते हुए भी उसने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, उसने ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया, वो बधाई का पात्र है और वो वाकई गोल्ड का डिजर्विंग है, जितनी बढ़िया उसने थ्रो की थी, तो मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमेशा फ्यूचर में भी बोलता हूँ ऐसे ही देश के लिए अच्छा करता रहे। और सबसे बड़ी चीज है एशिया में दो मेडल आए हैं, आप कभी भी पिछला इतिहास उठा के देखोगे तो मोस्टली खासकर ट्रैक एंड फील्ड में यूरोपियन हमेशा हमारे से आगे रहे हैं, लेकिन ये अभी पिछले कुछ सालों से आप बदलाव देख रहे हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने एशियन गेम्स में देखा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में एशिया के मेडल आ रहे हैं, एशिया एक सपोर्टिंग हब बन रहा है खासकर जैवलिन में। जी भीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट वाज भीम चोपड़ा, नीरज चोपड़ा अंकल, देयर वेरी प्राउड एंड ऑल्सो हैड अ वेरी ब्रिलियंट मैसेज देयर फॉर अरशद नदीम, द फैक्ट दैट not just as Indians but as Asians we should be proud of what Arshad Nadeem has achieved given the lack of resources. Chandresh continues to be on the broadcast with us. Chandresh, you just heard Bhim Chopra there, Neeraj's uncle speaking, and everyone right now, I believe it's never happened before, we seem to be pretty content with the fact that someone from Pakistan has beaten us, given the fact that Arshad Nadeem comes across as a brilliant bloke. He is humble, he's gone through tough times. In fact, just a couple of months back, he was complaining about the fact that the stadium where he was training, there were summer camps being held there. So he had no place to train as well. So putting that into context, what Arshad Nadeem has achieved, that's remarkable. Absolutely. And you hit the nail on the head considering the odds that he had to surpass to win this medal. I think Arshad Nadeem's achievement is tremendous, fantastic, and he deserves all the kudos that he's getting in Pakistan and around the world. And for once, I think everybody in India as well has praised Arshad Nadeem for his achievement, and it's a good thing to see. And like Neeraj Chopra's uncle said, it's very rare that you get the top two finishes in a track and field event at an Olympic being held by two people from South Asia, not even Asia, South Asia. It's a very rare occurrence, and I think all of us should be proud of what has happened, and long may it continue, and let's hope that next time around Neeraj is fit enough, strong enough at Los Angeles to probably get a gold once again. And like I said, whatever has happened in the Indian camp in this past week, Neeraj's performance and the hockey team's performance has lifted the gloom in the camp and all over India. Absolutely. Neeraj's performance has been the silver lining, hasn't it? Quite literally, in fact. Sujit Kumar, aap bhi Olympics khel chuke in the past, aap hockey ke player reh chuke, aap bataiye, इंडियन टीम में, इंडियन कंटिंजेंट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है, एक बार उनको दिखाई देता है कि एक अपॉर्चुनिटी है मेडल लाने की, सडनली वी सी देम सकम्बिंग टू प्रेशर। ये जो नंबर फोर वाला रोड ब्लॉक जो सब बता रहे कि या तो हम ब्रॉन्ज पे फिनिश कर रहे हैं या नंबर चार पे फिनिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ज्यादातर ये मेंटल प्रेशर, क्योंकि सेम खिलाड़ियों को, सेम अपोजिशन को हम वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हराते हैं, हम दूसरे टूर्नामेंट्स में हराते हैं, लेकिन जैसे ही ओलंपिक्स की बात आती है, जैसे पूरे देश की नजर उस पर होती है, सडनली हमारे एथलीट्स जो है वो एक थोड़ा सा मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। ये एक्चुअली क्या है, जब बड़े टूर्नामेंट होते हैं लाइक वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स या एशियन गेम, इसमें टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है और सब टेम्परामेंट के साथ एक्सपोजर भी बहुत मैटर करता है। अगर किसी भी खिलाड़ी को, जैसा आपने बोला कि वो फोर्थ आ रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, सारे प्लेयर जो है कोशिश करते हैं कि हम गोल्ड मेडल लाएं। फॉर एग्जांपल जैसे नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा का नाम मतलब आते ही लगता है कि जेवलिन थ्रो में हमारा गोल्ड पक्का है, लेकिन नीरज को जिस हिसाब से इंजुरी थी और जिस हिसाब से जेवलिन थ्रो फेंकने में एक्शन लिया जाता है, उसका पूरा इम्पैक्ट ग्रॉइन में आता है, क्योंकि मैं ग्रॉइन इंजरी में सफर कर चुका हूं, मुझे पता है कि ग्रॉइन इंजरी कितनी खराब होती है। तो आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर, उसने 92 के आसपास फेंका, 92-93, और नीरज ने 89 के आसपास फेंका। तो जब नीरज को इंजरी है, लेकिन इंजरी के बाद भी उसने इतना लंबा थ्रो फेंका है, तो कितनी बड़ी बात है। तो उसी तरह बाकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे, ऐसी बात नहीं, टेम्परामेंट पे फर्क पड़ता है कि आप
मैच में उस इवेंट में जब जा रहे हैं तो उस दिन आपका टेम्परामेंट कैसा है, कहीं आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं है? अगर प्रेशर है तो उसको ओवरलुक करना चाहिए कि हमको गोल्ड के लिए या हमको पोडियम पे आना है, पोडियम पे आना है तो गोल्ड और सिल्वर के लिए आना है। लेकिन फिर भी जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी लिया है वो भी कोई बुरी चीज नहीं है। आज ब्रॉन्ज लिया है, कल वो गोल्ड भी लेंगे, सिल्वर भी लेंगे, लेकिन हाँ उनको 100% सुजीत कुमार जी उस पे कोई उस पे कोई क्वेश्चंस नहीं उठा रहे। द फैक्ट दैट हमारे एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एक हमने पैटर्न देखा है डिफरेंट स्पोर्ट्स में कि एक बार पता चलता है उनको कि एक मेडल का चांस है तो थोड़ा सा वो जो उनका पीक परफॉर्मेंस होता है उससे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा प्रेशर इट्स क्वाइट विजिबल। जगमती सांगवान जी, यू बीन अ वॉलीबॉल प्लेयर योरसेल्फ, help us understand what are the pressures that the players undergo, because again we saw a lot of controversy as far as Prakash Padukone's statement is also concerned as far as what the government has already done for the players. Now help us understand, especially with someone like Neeraj Chopra who almost assures us a medal, talk about other athletes there who don't really end up on the podium every single time. Now do you agree with the fact that it's now time that the players take responsibility for the results that they are producing, given the fact that the federations now, individual players, team players and everyone, even the private partners, there's already an ecosystem building in India where a player, if he's good enough, he's taken care of. But again, the responsibility of the performance comes down on the player, especially when it's Olympic time. Yes, you are right. There is a tremendous stress on the part of players because they are individuals going through this whole, we can say, the process. First of all, I want to congratulate Neeraj Chopra, his family, and the near dears. And at the same time, I want to congratulate through your channel the other athletes who have won glory to our country. And specifically, I want to appreciate the sportsmanship of Neeraj Chopra's family. The way they are responding to this victory, Neeraj Chopra's mother especially, she said, Arshad bhi hamara beta hai. और वो जीता है तो वो भी अच्छी बात है। सो ये स्पोर्ट्स मैनशिप जो है इस तरह की इट इज वाइडली नीडेड इन टुडेज वर्ल्ड एंड द वे हिज अंकल वाज आल्सो रिस्पोंडिंग एट द सेम टाइम इट इज वेरी गुड सिग्नल फॉर अस बिकॉज द यूथ ऑफ आवर कंट्री दे आर इन द ट्रैप ऑफ ड्रग्स एंड ऑल टाइप ऑफ nasha they are being pushed into due to the unemployment and all. Neeraj Chopra and others who have maybe it's Manu Bhakkar or our hockey team, they will stand as a source of inspiration for our young generation. Absolutely. Brilliant message there, Jagmati ji. Like you're pointing out, sports is something that should actually bring us all together. And Neeraj Chopra's mother, of course, what she said, the statement has gone viral in Pakistan as well. And it's receiving a lot of love from there as well. And again, like they say, this is again something that brings us all together, sport, and seeing India and Pakistan on the podium in a sport, in a genre that we're not really good at. We are usually looked on upon. Again, it's a very proud moment for us as Asians, as Southeast Asians. Appreciate you all for joining us for this very brief discussion. We're of course running short of time right now. We'll be back with more discussions on this as the Olympics goes on. But meanwhile, let's shift our focus